हालेलुया, आप सब कैसे हो? आई बिलीव कि आप सभी ठीक हो। सो अभी हम लोग इस संडे में हम लोग फिर से आया है जीसस का गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। ऑलराइट, सो क्या आप सब रेडी हो जीसस का गुड न्यूज़ सुनने के लिए? अगर हाँ तो चलो दीदी के साथ कहिए थैंक यू जीसस। चलो साथ में कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो अभी हम लोग हम लोग सर्विस स्टार्ट करेगा, तो उससे पहले हम लोग चलो जीसस को प्रे करेगा। ओके, ये आज का सुंदर सा समय देने के लिए हम लोग जीसस का अभी क्या करेगा, प्रे। ओके, सो चलो सभी हम लोग आगे आँख बंद करेगा और चलो हम लोग सभी जीसस को प्रे करेगा। ओके, थैंक यू जीसस ये सुंदर सा दिन देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड आप हमें गाइड करना इस सुंदर सा दिन में। लॉर्ड, लॉर्ड आपके जैसा कोई नहीं लॉर्ड जीसस। लॉर्ड आप हम लोग के परिवार को, आप हम लोग का परिवार को आप देखना लॉर्ड जीसस। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वी ऑल प्रे, आमेन, हालेलुया। सो फिर से स्वागत है हम लोग का RBIM किड्स चर्च में, और आप लोग इस वीडियो को, आप इस ब्रॉडकास्ट को आप अभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ। ओके, और अगर आप लोग का पास अगर आप लोग का सामने में दीदी बहन है तो साथ में देखिए। ओके, सो आज हम आप लोग को एक स्टोरी सुनाएगा। ओके, एक स्टोरी है जिसमें एक बेटा है और एक माँ है। ओके, एक बच्चा है और एक मम्मी है। ओके, सो आज हम लोग उसका बारे में जानेगा। ओके, और उसका थ्रू हम लोग जीसस का बारे में जानेगा। ओके, क्या आप सब रेडी हो? ओ यस, चलो तो उससे पहले हम लोग जीसस को प्रेस करेगा। ओके, उससे पहले हम लोग जीसस के लिए हम लोग डांस करेगा। ओके, क्या आप सब जीसस के लिए, जीसस के साथ डांस करने के लिए रेडी है? अगर हाँ तो चलो दीदी के साथ फिर से कहिए थैंक यू जीसस। ओके, चलो साथ में कहते थैंक यू जीसस, और एक बार थैंक यू जीसस। जो तो अभी हम लोग का डांस में चलते हैं। ओके, हालेलुया। क्या आप सभी ने यीशु के साथ, जीसस के साथ डांस किया है? हम बिलीव करता है कि आप सभी ने जीसस के साथ डांस किया है। सो दीदी कह रहा था कि राइट, आप लोगों को स्टोरी सुनाएगा एक बेटा और एक मम्मी का। राइट, किस किस का? एक बेटा और एक मम्मी का। ओके, सो एक दिन में, ओके, पहले एक घर में बेटा और माँ रहता था। ओके, बेटा और माँ रहता था। ओके, सो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी जो बेटा को चॉकलेट दिया। ओके, एक चॉकलेट दिया। ओके, तो इसका बेटा ले लिया, लेकिन बेटा मम्मी को और भी मांग रहा है। ओके, हमको और भी चाहिए बोल के, लेकिन मम्मी जो उसका मना कर दिया। ओके, उसका मम्मा जो उसको मना कर दिया। ओके, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएगा। ओके, इसलिए क्या क्या मम्मी जो मना कर दिया। ओके, बेटा को चॉकलेट देने से। ओके,
लेकिन बेटा जो था कि हमको और भी खाना है, हमको और भी खाना है बोल के, लेकिन मम्मी जो उसको बोला था कि नहीं नहीं खाएगा, ज़्यादा खाने से आपका हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है बोल के, ओके। तो इसलिए मम्मा जो उसको बस एक ही दिया था, ओके, और वो चॉकलेट का डब्बा को मम्मा जो रख दिया था, ओके, कई जगह में, और बेटा उसको चुपचाप से देख लिया, ओके, कि मेरा मम्मा जो चॉकलेट को वो जगह में रखा है बोल के, ओके, उसका बेटा जो देख लिया। तो इसके बाद फिर मम्मा जो उसका मम्मा जो फिर काम करने के लिए चला गया बाहर में। तो इसके बाद उसका बेटा जो क्या किया, चुपचाप से वो चॉकलेट को निकाल के खा लिया, ओके, चुपचाप से चॉकलेट को निकाल के खा लिया, बहुत सारा पीस था, ओके। तो मम्मा को तो उसको पता नहीं चलेगा कि खाया या नहीं खाया, ओके। तो इसलिए क्या किया, वो जो चुपचाप से दो तीन पीस लेके खा लिया, ओके। इसके बाद वो चॉकलेट का डब्बा को वापस वहाँ में रख दिया, ओके। सो फिर शाम में क्या हुआ, उसका मम्मा आया ना, फिर आने के बाद बेटा जो फिर जीत कर रहा है कि हमको और भी चॉकलेट खाने, मम्मा हमको और एक तो दो बोल के, अब बोला था ना अब हमको शाम में देगा, ऐसा बोल के क्या किए कि बेटा जो और मांग रहे, ओके। तो मम्मा जो उसका मामा जो क्या किए कि मेरा बेटा हमको रुक रहा था, ऐसे बोल के क्या किया मम्मा जो उसको चॉकलेट और एक तो दे दिया, ओके। सो मम्मा को पता नहीं था कि वो ऐसा चोरी करके वो और भी खाया था बोल के, ओके। लेकिन उसका मामा उसको इतना प्यार करते, ओके, उसका मामा उसको इतना प्यार करते, इसलिए वो जो और दे दिया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट दिन में फिर बेटा जो फिर नेक्स्ट दिन में फिर उसका मम्मा जो उसको ना मिठाई दिया, ओके, चॉकलेट होते ना चॉकलेट दिया, ओके। तो बेटा को दिया एक पीस दिया, ओके, तो एक पीस दिया। फिर बेटा जो बोला कि हमको और भी खाना है बोल के, लेकिन मम्मा जो उसका क्या बोले, वही सेम जो बोला था पहले, उसको ही बोला कि आप ज़्यादा नहीं खाना है, आपका दांत खराब हो जाएगा बोल के, ओके। तो बेटा जो फिर भी जीत कर रहा है, हमको और भी खाना है। फिर मामा जो बोला कि नहीं आपका दांत खराब हो जाएगा, आप ज़्यादा मत खाओ बोल के बेटा को सेंड कर दिया, ओके। फिर क्या किया मामा जो वो ला चॉकलेट का डब्बा को फिर वो जो कहीं में रख दिया, ओके, रख दिया बेटा से छुपा के कहीं में रख दिया, ओके, ताकि वो बाद में ना खाए, इसलिए वो जो क्या किया वापस रख दिया, ओके। लेकिन इसका बाद फिर बेटा उसको चुपचाप से देख रहा था कि मम्मी कहाँ में रखा है बोल के, ओके, मम्मी कहाँ में रखा है बोल के, वो जाने का नाटक किया। इसका वो फिर से कहाँ में फिर से वो देख रहा था, ओके, कि मम्मा ने कहाँ में रखा है चॉकलेट को। सो वो देख लिया, ओके, मम्मा ने वहाँ पर रखा है बोल के। तो मम्मा जो एक बार किचन में काम कर रहा था, ओके, तो किचन में जब काम कर रहा था तो चुपचाप से बेटा जो गया, ओके, जाके वो जो फिर चॉकलेट को निकाल लिया। फिर मम्मा फिर नेक्स्ट दिन में मम्मा ने देख लिया, ओके, मम्मा ने देख लिया। फिर मामा बोला कि आप क्यों ऐसा चोरी कर रहे हैं बोल के, अब वो बेटा को बहुत समझाया है, ओके, बहुत समझाया मामा जो बेटा को क्या किया, बहुत समझाया, ओके। लेकिन बेटा जो बस ऊपर में ही हाँ हाँ बोल के फिर क्या किया, वो एक कान से सुना है एक कान से निकाल दिया, ओके। आप लोग भी ऐसा करते हैं, राइट? हम बिलीव करते हैं कि कोई नहीं करते, ओके, अगर जो करते हैं वो ध्यान से सुनो, ओके। सो बेटा ने क्या किया, एक कान से सुना फिर एक कान से निकाल दिया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे, ओके, बड़ा होते गए, ओके, बेटा बड़ा होते गए, फिर मम्मी भी बुरी होते गए, ओके। तो बड़ा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहे। फिर एक बार क्या हुआ, बेटा ने मम्मा को क्या पैसा मांगा, ओके, कि मम्मा हमको पैसा चाहिए बोल के, हमको घूमने जाना है बोल के, ओके। लेकिन मम्मा ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो जहाँ था ऐसा पैसा लेके घूमने जाएगा वो गलत वलत कर देगा बोल के वो नहीं माना। मम्मा ने क्या किया, नहीं दिया, ओके, आप जहाँ तक मत घूमो, आप बस घर में बेटा आपको बस पढ़ाई करना है बोल के, ओके। लेकिन बेटा क्या था, छोटा से वो जो चोरी करके आए चुप चुप के वो चोरी करके आए, तो उसका आदत हो गया था, ओके, कि मम्मा का बात नहीं सुनना, ओके, किसी का भी बात नहीं सुनना, बस अपना ही करना, ऐसा उसका आदत हो गया। तो इसलिए क्या कि फिर बेटा जो जिद्दी था, बेटा ने मांग रहे फिर भी मामा बोला कि नहीं देगा, ओके। तो पैसा को कहाँ में रखते हैं, उसको तो बेटा पट्टा है। तो क्या किए बेटा ने, फिर मामा जब बाहर में था तो फिर बेटा क्या किया, फिर चोरी किया, ओके, पैसा को। फिर मामा ने देख लिया, उसका सामने में देख लिया, फिर एक लाठी लेके आया, ओके, मम्मी जो क्या लेके आया, एक लाठी लेके आया, ओके। बेटा सोच रहा था कि उसको मारेगा बोल के, लेकिन क्या बेटा सोच रहा था कि उसको क्या करेगा, मारेगा बोल के, वो पूरा डर रहा था। लेकिन मम्मी ने लाठी लेके गया और बेटा का सामने में अपना खुद को वो जो ठीक से मार रहा था, ओके,
अपना खुद को जो ठीक से मार रहा था कि मेरा बेटा ऐसा करे, अपना खुद को मम्मी जो अपना खुद के खुद को मार रहा था, ओके मेरा बेटा ऐसे ऐसे क्या हो गया, लेकिन इसका बेटा देखा ठीक से रो रहा था, वो इसका तभी वो रियलाइज किया कि मेरा मम्मी जो हम जब गलत करते हैं तब मीन्स दुखी होता है लेकिन हमको नहीं बोलता बोल के, ओके बेटा जो ऐसा सोचने बेटा जो सोच रहा है क्योंकि मम्मी जो अपना खुद को मार रहे इतना रो रहे फिर भी ठीक से मार रहे, उसका पूरा खून निकल रहा है फिर भी अपना खुद को मार रहे, ओके इसका पूरा दांती टूट गया फिर भी मम्मी जो अपना खुद को मार रहे, ओके इसका बेटा जो देख के रो रहा था, ओके मम्मी मत मारो अपना खुद को मत मारो बोल के, ओके इसके बाद फिर लास्ट में इसके बाद क्या किया कि मम्मी जो मारना बंद कर दिया, ओके तब से ही वो बेटा जो समझने लगा कि मम्मी जो उसको इतना प्यार करता है उसको उसका अच्छा के लिए ही बोलता है वो बोल के, ओके तो इस स्टोरी से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जीसस क्राइस्ट जो हम लोग को इतना प्यार करता है, ओके हम लोग का जितना भी सीन है ना उसको देखता है राइट, उसको देखा है फिर भी वो क्या करते है जीसस जो हम लोग को माफ़ कर देते हैं, ओके इसका उसको आपका सीन को फिर भी वो जीसस जो माफ़ करते हैं, ओके लेकिन आप उसका बदले में क्या करते हो उसके लिए कुछ भी नहीं, अब बस और भी करते रहेगा आपको बस सीन का मीन सीन करने मन होते रहेगा ऐसे क्योंकि छोटा से करके है राइट, ऐसा ग्रोथ हो कि हम लोग क्या करते कि सीन करते रहते हैं लेकिन जीसस हम लोग को क्या करते हैं माफ़ करते रहते हैं। इसके बाद लास्ट में जीसस जो क्या किया हम लोग का जितना भी सीन के लिए वो जो क्या किए क्रूस में हम लोग के लिए क्या किया क्रूसीफाई किया, ओके क्रूस में हम लोग के लिए क्या किया क्रूसीफाई किया, ओके ताकि हम लोग का जितना भी सीन है वो जो क्या हो जाए पूरा माफ़ हो जाए, ओके हम लोग का जितना भी सीन वो माफ़ हो जाए, इसलिए जीसस जो हम लोग के लिए क्रूस में मराए, ओके हालेलुया। सो हम लोग और भी सुनेगा, ओके तो उससे पहले हम लोग जीसस को डांस करेगा, जीसस के लिए हम लोग डांस करेगा, ओके हम लोग और भी सुनेगा, ओके और भी थोड़ा सा दीदी बताएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेगा डांस करेगा, ओके सो अभी क्या आप सब रेडी हो डांस करने के लिए? ओह यस, चलो तब अभी हम लोग सभी क्या करेगा जीसस के लिए डांस करेगा, ओके लेट्स गो। हालेलुया, क्या आप सभी ने जीसस के साथ डांस किया है? हम बिलीव करता है कि आप सभी ने जीसस के साथ डांस किया है। सो जीसस और दीदी जो कहा में था कि जीसस जो हम लोग सभी के लिए उस क्रूस पे मरा है राइट, और हम लोग का जितना भी पाप था वो सब मिट गया था राइट,
जीसस हम लोग को इतना प्यार करता था, इसलिए हम लोग को क्या किया था, वो क्रूस में मरा था, ओके राइट। ये चीज़ हम लोग आप लोग को हमेशा बताते हैं, राइट। ये चीज़ हम लोग आपको हमेशा बताता है, इसलिए आपको इसलिए ट्राई करना है कि आप जीसस के साथ और भी कनेक्टेड रहो, ओके। आप जीसस के साथ और भी क्लोज रहो, उसके लिए आप लोग को और भी ट्राई करना है, ओके। और आपको हमेशा क्या करना है, जीसस का बाइबल पढ़ना है, ओके। जीसस का वर्ड सुनना है, ओके। और जीसस जितना भी वो बाइबल में जितना भी वर्ड्स है, राइट, जीसस जो बोलता है कि अपना मम्मी पापा का बात सुनो, जीसस जितना भी वो बाइबल में लिखा है, राइट, वो सबको आपको क्या करना है, ओबे करना है, ओके। आपको फॉलो करना है, ओके। जीसस का वर्ड को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ओके। सो अभी हम लोग जीसस को अभी हम लोग जीसस का साथ चल रहे, राइट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, वापस पीछे नहीं मुड़ना है, ओके। हम लोग जीसस का साथ क्या कर रहे हैं, चल रहे, राइट। हम लोग हमेशा जीसस का साथ चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अब तब तो आप पीछे नहीं मुड़ना है, ओके। आप पीछे क्या करना है, नहीं मुड़ना है, ओके। अब फिर से पहले का लाइफ में आपको फिर से नहीं जाना है, ओके। आपको फिर नया वाला लाइफ में आपको क्या करना है, वो नया वाला लाइफ में आपको क्या करते हैं, जाते रहना है, ओके। ये नया ईयर का आपको क्या करना है, जीसस के साथ चलते रहना है, ओके। इसका फिर नया ईयर आएगा, फिर आपको उसमें भी जीसस के साथ चलना है, ओके। सो दीदी का टीचिंग इतना ही था। सो क्या आप सब सीखा है कुछ, हम बिलीव करते हैं कि आप सभी ने सीखा है। और आप लोग को कुछ चीज़ में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। हम लोग दीदी लोग आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगा, ओके। अगर जितना भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ भी हो, आप उसको क्या करना है कि आप लोगों को दीदी लोगों को शेयर करना है, ओके। आप कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। तो इतना ही था दीदी का टीचिंग्स। सो हम बिलीव करते हैं कि आप लोग सब बहुत कुछ सीखा है हम लोग का आरबीआईएम किड्स चर्च मिनिस्ट्री से। सो आप सीखा है तो आप दूसरा को भी बोलना है, ओके। आप बस खुद से सीख के नहीं बनना है, ओके। आप दूसरा को भी क्या करना है, शेयर करना है, ओके। आपको भी बताना है, ओके, जीसस के बारे में। आपको भी जीसस के बारे में शेयर करना है, ओके। बस आप वीडियो शेयर करने से नहीं होगा, ओके। आपको भी जीसस के बारे में थोड़ा सा समझ भी आप लोग को जीसस के बारे में बताना है, ओके। सो अभी हम लोग फिर से क्या करेगा, जीसस को प्रेस करेगा, ओके। आप सभी खड़े होके हम लोग सब साथ में जीसस को प्रेस करेगा, ओके। ऐसा नहीं होना कि दीदी लोग बस यहाँ में डांस कर रहे हैं तो आप बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना, ओके। सो आप सभी हम लोग सभी साथ में क्या करेगा, जीसस के लिए डांस करेगा, ओके। क्या आप सब रेडी हो? ओ यस। तो चलो हम फिर से जीसस के साथ और हम लोग साथ में क्या करेगा, डांस करेगा, ओके। सो
हालेलुया, आप सभी ने डांस किया है। हम बिलीव करता है कि आप सभी ने जीसस के साथ मस्ती से डांस किया है। सो हम लोग का सर्विस हम लोग यहाँ में रखेगा और हम बिलीव करता है कि आप सभी ने बहुत सारा चीज सीखा है इस सर्विस के द्वारा। और थैंक यू, आप हमेशा हम लोगों के साथ ज्वाइन करता है हर संडे, हर मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, आप लोग हम लोग के साथ ज्वाइन करता है। और आप लोग को भी हमेशा प्रे करना है, ओके? आप लोग हमेशा अपना लिए प्रे करना है और हम लोग का जो मिनिस्ट्री है ना, इसके लिए भी प्रे करना है, ओके? ताकि ये मिनिस्ट्री और भी दूसरा बच्चा लोगों को और भी जान सके, ओके? और भी वो लोग जीसस का बारे में जान सके, ओके? इसलिए आप लोग को भी क्या करना है, मिनिस्ट्री के लिए भी प्रे करना है, ओके? सो हम लोग का सर्विस यहाँ पर ही रखेगा। और हम लोग का ऑफरिंग अगर आप लोग को देने मन है तो हम लोग गूगल पे का हम लोग नंबर दे देगा, ओके? स्क्रीन में तो आप लोग का जितना भी सीट है उसको आप लोग दे सकते हैं, ओके? अपना जीसस के लिए, ओके? किंगडम ऑफ गॉड में अगर आप लोग देना है तो आप लोग दे सकते हैं, ओके? और तो देने से पहले आपको क्या करना है, हाथ में लेके, ओके? वो आप लोग को प्रे करना है, ओके? फोन को अगर गूगल पे कर रहे हैं, राइट? तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फोन को हाथ में लेके आप लोग को प्रे करना है, ओके? कि लॉर्ड, हम आपका किंगडम में हम ये बीच को बोने वाला है बोल के, ओके? आप लोग को प्रे करके देना है, ओके? जो भी चीज़ कर रहे हैं आप लोग को प्रेयर के साथ स्टार्ट करना है, ओके? सो अभी हम लोग एंडिंग प्रेयर करेगा, ओके? सब लोग अपना आँख बंद करेगा और अभी हम लोग जीसस को थैंक यू बोलेगा, ओके? थैंक यू लॉर्ड जीसस, ये सुंदर सा दिन के लिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लॉर्ड, आज हम लोग ने जितना भी सीखा है लॉर्ड जीसस, आप उसे हम लोग का लाइफ में आप उसे इस्तेमाल करने के लिए हेल्प करना लॉर्ड जीसस। लॉर्ड, हम लोग का जितना भी परिवार है लॉर्ड जीसस, आप उसे हेल्प मदद करना लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लॉर्ड, अब हम लोग का पराए में लॉर्ड जीसस, अब हम लोग को हेल्प करना। हम लोग का जितना भी परिवार है आप उसको देखना लॉर्ड जीसस। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वी ऑल प्रे, आमेन, हालेलुया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।